हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई, आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत से जुड़ी अपडेट के बारे में। ऋषभ पंत से जुड़ी अपडेट ये आ रही है कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि उनका एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली से रोड की जा रहे। उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था, डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकरा गई थी, आग लग गई थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। जो बीसीसीआई के मेडिकल विशेषज्ञ है, उन्होंने ये बोला है कि ऋषभ पंत को रिकवर होने में 8 से 9 महीने तक का वक्त लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उनको भारी नुकसान होने वाला है, कि इस साल में उनको किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब उनको नुकसान क्या होने वाला है, जैसे कि अभी आईपीएल में वो नहीं खेल पाएंगे, सबसे बड़ा अपना इंडिया का जो प्रीमियर लीग है उसमें नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद एशिया कप आने वाला है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप आएगा। तो ये दो तीन जो बड़े बड़े इवेंट है इस साल में, उनसे वो वंचित रह जाएंगे और खेल नहीं पाएंगे इंडिया की टीम में। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई भगवान उनको जल्दी से ठीक करे और इंडिया टीम में जल्दी सी वापसी करें। ऋषभ पंत से जुड़ी अपडेट यही थी कि रिकवर होने में 8 से 9 महीने लग जाएंगे। हालांकि उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो जल्दी हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी रिकवर हो और खेलने में मैदान में खेलने के लिए उतरे। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।